मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जारी किया अपना फोन नंबर, कहा समस्याओं पर करें कॉल, जल्द होगा निराकरण। मऊगंज के नवागत कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर हाथ पर कॉल करें, आपकी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि देवतलाव शिव मंदिर जो इस क्षेत्र वासियों के लिए आस्था का प्रतीक है, मैं वहां निरीक्षण करने गया था जहां कई कमियां सामने आईं, उन्हें दूर करने के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। मऊगंज जिला बनने में जिनका भी सहयोग था मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यहां की व्यवस्था पटरी में लाने का भरपूर प्रयास चल रहा है जो आने वाले समय में दिखने भी लगेगा। ये नया जिला बना है, निश्चित रूप से नए जिले के नए चैलेंजेस होते हैं और आप सभी को जो यहां के लोग हैं जिन्होंने यहां संघर्ष किया है नया जिला बनाने के लिए, मैं उन सभी को बधाई देता हूं कि संघर्ष रंग लाया और शासन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस जिले की घोषणा करी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 3 तहसीलों का ये जिला बनाया गया है और निश्चित रूप से अब तरक्की का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू होगा। कल मैं वहाँ देवतलाब दर्शन करने गया था मंदिर में, वहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़ी गैदरिंग है, मेरी मतलब जो मैंने सोच रखा था उससे कहीं बड़ा कार्यक्रम है वहाँ पे, बहुत बड़ी गैदरिंग है और उस मंदिर की मान्यता भी बहुत है। तो जैसा मुझे बताया गया वहाँ के अधिकारियों के द्वारा कि पिछले मंडे को लगभग 3 से 4 लाख लोग श्रद्धालु वहाँ इकट्ठे थे, परंतु उन इतनी बड़ी संख्या के हिसाब से मुझे लगा कि वहाँ व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं हैं, थोड़ी सी और आवश्यकता है वहाँ पर सुदृढ़ करने की। तो मैंने वहाँ के अधिकारियों के साथ में, पुलिस अधिकारियों के साथ में, हमारे SDM साहब के साथ में पूरा भ्रमण किया पूरे क्षेत्र का, लोग किधर से आते हैं, किधर से जाते हैं, कहाँ से जल लेते हैं, कहाँ से अर्पण करके फिर कैसे निकलते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है। मैंने निर्देश दिया कि पूरे क्षेत्र में CCTV कैमरे लगवा दिए जाएं, प्लस जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे वो लाउड स्पीकर भी मुझे लगा पर्याप्त हैं क्योंकि बाहर तक उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो मैंने 10 लाउड स्पीकर और लगाने का बोला ताकि जहाँ तक भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, भोजन बनाते हैं या प्रसाद पकाते हैं, तो वहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे, कौन से निर्देश दिए जा रहे हैं या कोई किसी की वस्तु गुम गई है या कोई बच्चा, कल एक बच्चा भी गुम गया था, तो इस तरह की पूरी तरह से वो हो जाए। प्लस ये व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए कि लोगों के एक तरफ से आने की व्यवस्था हो और दूसरी तरफ से निकलने की व्यवस्था हो ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना हो। और ये मांस बल्ली वगैरह का भी मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि वो उपलब्ध कराएं, उन्होंने उपलब्ध करा भी दिए हैं। तो और हमने बल भी अतिरिक्त मांगा है, SP साहब ने बात करी है, मैंने भी आयुक्त महोदय से और IG साहब से रिक्वेस्ट करके कि अतिरिक्त बल दें क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग में बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो महिला बल भी हमने मांगा है, निश्चित रूप से हम वहाँ व्यवस्थाएँ सुधारने में अच्छा सफल होंगे और पूरा कार्यक्रम हमारा सम्पन्न होगा। मैं फिर से एक बार सभी लोगों को बधाई देता हूँ, यहाँ के नागरिकों को, और मैं सभी से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9425055707, इसमें आप कॉल करके मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की हो आप कभी भी कॉल मुझे कर सकते हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए।